नमस्कार, मैं हूं महेश उपाध्याय, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, देश में कोरोना वायरस का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने विशेषकर ये बातें कही, अति आवश्यक परिस्थिति के बिना घर से बाहर ना निकले, खासकर बुजुर्ग लोग। मार्केट एवं भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, ये कभी ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की अपील करी एवं जनता कर्फ्यू को अपनी स्वेच्छा से पालन करने का संदेश पहुंचाया। कम से कम 10 लोगों को ये जनता कर्फ्यू के बारे में जानकारी देने की बात भी कही। 22 मार्च को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए उन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करें जो इस कठिन परिस्थिति में हमारी सहायता के लिए तत्पर है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, यातायात विभाग, मीडिया विभाग एवं अन्य। रेगुलर चेकअप का भी परहेज करें। अगर कुछ दिक्कत हो तो अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पे संपर्क करें। जो सर्जरी अति आवश्यक नहीं हो उसे अगले महीने तक स्थगित करें। जब तक अति आवश्यकता ना हो अस्पताल जाने की कोशिश ना करें। कर्मचारियों के वेतन में कटौती ना करें क्योंकि उनको भी परिवार चलाने का होता है। खाने की सामग्री एकत्रित ना करें, सरकार उसकी कभी कमी आने नहीं देंगी। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व तो होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास, हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे।